हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा द थ्री जेंटल ब्रोस एपिसोड 18 और ये फाइनल एपिसोड होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। व्यू सबको प्लान बता रही थी। वो बोलती है एंगेजमेंट में सब लोग बहुत खुश होंगे, इरी की मॉम भी। तो इरी अगर पिम को ले जाएगी तो उसकी मॉम मान जाएगी। इरी बहुत ही ज्यादा डरती है लेकिन सब लोग उसे संभालते हैं, वो राजी हो जाती है। आरती व्यू को बहुत प्यार से एक ड्रेस गिफ्ट करता है, वही ड्रेस वो आज पहनी हुई थी। दोनों बहुत टेंशन में थे इरी और पिम को लेके। दूसरी तरफ इरी और पिम को लेके उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी और पिम भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। पिम पत्रा यानी कि आरती थेम्स और इच की मॉम। इरी अपने मॉम से सॉरी बोलती है क्योंकि वो पिम को ले आई थी। वो बोलती है पिम से मैं बहुत प्यार करती हूँ जितना मैं आपसे करती हूँ। उसकी मॉम रोने लगती है, बोलती है मैंने कभी तुम पे ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसी हो, तुम कौन हो, मुझे माफ कर दो। और वो पिम को भी एक्सेप्ट कर लेती है, उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है तुम आज से मेरी बेटी हो, जैसे इरी है वैसे ही तुम भी हो। वो अपने बेस्ट फ्रेंड पिम से माफी मांगती है। पिम बोलती है मुझे तो माफी अपने बेटों से मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैंने हमेशा उनके साथ गलत ही किया है, इस बार आरती के साथ भी मैं गलत ही कर रही थी। आरती व्यू को थैंक्स बोलता है। वो बोलता है अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी पता नहीं कैसी चलती, और तुमने ही इरी और पिम की भी मदद की है। फिर वो व्यू को थैंक्स बोलने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देता है और ये देख के व्यू पूछती है क्यों। वो बोलता है क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इतना पैसा तो कुछ भी नहीं है, इसे ज्यादा देना चाहिए था। व्यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लगती है और उसे सारे पैसे लौटा देती है। अब तक उसने जितने भी पैसे उससे लिए थे सब कुछ, वो बोलती है मैंने कभी भी तुम्हारे दिए हुए पैसे यूज ही नहीं किए। ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत मुझे है लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पहले दिन से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी पहले दिन से, जब से मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम मेरे फीलिंग्स को कभी भी समझ नहीं पाओगे। वो वहां से गुस्सा करके चली जाती है और आरती को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि आरती बस व्यू की मदद करना चाहता था, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसने इसीलिए पैसे दिए थे, लेकिन व्यू ने सोचा था कि उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। व्यू घर आके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, उसे उसकी मॉम और उसकी सिस्टर संभालते है। वो बोलती है हम गरीब है इसीलिए हमें बस पैसों की ही जरूरत होती है, हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं करता है। उसकी मॉम बोलती है ऐसा नहीं है। व्यू बहुत जगह इंटरव्यूज दे रही थी लेकिन उसे छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब सी मिल रही थी और आरती बार बार उसके पास आ रहा था बस बात करने के लिए, लेकिन व्यू उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी पहुंच जाता है लेकिन वो उसे अंदर आने नहीं देती है। वो बहुत रात तक बैठा हुआ था व्यू के घर के सामने। नाम्बा आती है और बोलती है व्यू तुमसे बात नहीं करने वाली है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो नाम्बा को बोलता है प्लीज व्यू को बोलना मेरे मैसेज चेक करे। उसने व्यू को हजारों मैसेज किए थे लेकिन वो चेक नहीं करती है। पिम बहुत परेशान थी क्योंकि उसे व्यू की जरूरत थी, एक हफ्ते के अंदर बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा और व्यू की जगह कोई भी नहीं ले पा रहा था। वो व्यू के घर के सामने आती है, देखती है व्यू और उसकी फैमिली बाहर कुछ फूड वगैरह बेच रहे थे। आरती ने बहुत ही अच्छी थीसिस लिखी थी, उसके फादर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। वो सैड था ये देख के। वो पूछते हैं कुछ हुआ क्या। वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा लोनली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। उन्हें पास्ट की बातें याद आती है, जिस दिन आरती को पिम बोर्डिंग स्कूल छोड़ने आई थी उस दिन वो भी वहाँ पे थे। वो पिम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते हैं अगर मैं उसकी कस्टडी लेता तो मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ता। वो बोलती तो आप क्या करते, उसे अकेले बड़े करते और उसे अकेलेपन में जीना पड़ता। वो यहाँ पे रहेगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और जब टाइम आएगी तब मैं उसे
यहाँ से ले जाऊंगी। फिर उसके फादर बोलते हैं, लेकिन अगर कभी भी वो दुखी हुआ और कभी भी अगर उसने बोला कि वो लोनली है, उस दिन मैं तुम्हें देख लूंगा। वो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने बेटों को हमेशा मेरे पास ही रखूंगी। आरती को उसके डैड बोलते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा डैड और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ है। हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड हम हमेशा रहेंगे। और फिर वो उसे हक करते हैं। तभी वहाँ पे पिम आती है और पिम बोलती है, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से कितना ढूंढा, तुम घर क्यों नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा कि तुम व्यू के साथ हो, लेकिन तुम तो व्यू के साथ भी नहीं हो। फिर वो बोलता है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, व्यू से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसे मैंने खो दिया। उसकी मॉम बोलती है, मेरे रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे डैड कोई काम के नहीं है, इनसे कुछ भी मत बोलो, चलो मेरे साथ, मैं कुछ करूंगी। वो आरती को लेके व्यू के घर के सामने जाती है और आरती को बोलती है, यहाँ पर ही बैठे रहो, मैं बाहर जाती हूँ। वो व्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग रही थी, उसके पीछे वो भी बहुत बार भागती है। फिर हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम जॉब पे ज्वाइन हो जाओ फिर से। वो बोलती है, नहीं, आप लोगों के फैमिली ने मुझे खरीदा हुआ नहीं है, जब भी आप लोग बुलाओगे मैं चली जाऊंगी। फिर पिम बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, टीम को तुम पे पूरा भरोसा है और तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले पा रहा है। वो बोलती है, और आप? वो बोलती है, हाँ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। व्यू खुश होती है और मान जाती है। तभी वहां पे भागते हुए आरती आता है और बोलता है, तुम्हारे हाथ पे कहीं लगी तो नहीं? उसकी मॉम बोलती है, मैंने उसे मारा नहीं है, बस बात कर रही थी। और तुम दोनों बात करो, जो भी गलत फहमी है वो दूर कर लो। और व्यू, प्लीज आरती का ख्याल रखना। वो वहां से चली जाती है। आरती उससे माफी मांगता है, बोलता है, मैं कभी भी पैसों को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और व्यू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मान जाती है और वो आरती को बहुत टाइटली हग करती है। आरती व्यू के लिए आगे की स्टोरी लिख के लाया था, अब उसे बस ड्रॉ करना पड़ेगा, स्टोरी सोचने की जरूरत नहीं है। वो बहुत खुश होती है और वो स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, एकदम आरती और व्यू की स्टोरी की तरह। विच वहां से खुशी खुशी चली जाती है और उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। व्यू और आरती बैठ के बातें कर रहे थे। व्यू से आरती पूछता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं बिका हुआ हूँ, मैं बस मॉम से महंगी महंगी चीजें लेता हूँ? वो बोलती है, नहीं तो। आरती बोलता है, असल में मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को खरीदता हूँ जिनको मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, मॉम की इन्वेस्टमेंट। अगर बाद में वो उन सब चीज़ों को बेचेगी या फिर रखेगी, उनका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो बोलती है, वाओ, तुम्हारा तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा रिच है। आरती पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी? वो बोलती है, नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम हमें मान ले, अगर तुम्हारी मॉम खुश रहेगी तो हम भी बहुत खुश रहेंगे। आरती अपने मॉम को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है। वो बोलता है, चलो हम घर पे ही उनसे मिल लेते हैं। पिम किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रही थी और वो घर पे भी नहीं थी। उसे इच, क्यू, थेम्स और साथ में न्यू ढूंढ रही थी हर जगह, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। और फिर वहाँ पे आरती और व्यू भी आते हैं। फिर वो लोग हाउस होल्ड से पूछते हैं, मॉम कहाँ है? वो बोलती है, शायद वो हॉस्पिटल गई है। और सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और अपने मॉम को वो लोग ढूंढने लगते हैं। और एक जगह बैठ के पिम रो रही थी हॉस्पिटल के पीछे। उन्हें पास्ट की सारी बातें याद आ रही थी, इच की, थेम्स की और साथ में आरती की। तीनों भाई साथ में आते हैं और वो लोग बोलते हैं, आप कहाँ चली गई थी? हम लोग बहुत परेशान थे। वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों को हमेशा पकड़ के रखने की कोशिश की और आज देखो तुम लोग कितने दूर जा चुके हो मुझसे। वो लोग बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग हमारे लिए सबसे ऊपर हो। वो बोलती है, तुम लोगों से मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैंने क्यों 3 शादियां करी है और यहाँ पे पता है मैं क्यों हूँ, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे तुम तीनों सिर्फ मेरे थे। जब जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तब तब मैं यहाँ पे आती हूँ और उसके बाद मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उन मेमोरीज को सोच के।
कि तुम लोग कैसे मेरे पास आए थे। हर बार मुझे यहाँ पे अकेले ही आना पड़ता था। पहली बार मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी जब इच होने वाला था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इच के फादर इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे, उनका कैरेक्टर इतना खराब होगा। जब मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई थी जब थेम्स होने वाला था, तब मैं थोड़ी सी स्ट्रांग थी क्योंकि थेम्स के फादर हमेशा अपने बिजनेस के पीछे ही भागते थे। उन्होंने कभी भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया और हम दोनों एकदम ऑपोजिट थे, हमारी बात कभी बनती ही नहीं थी। और लास्ट टाइम आरती के टाइम मैं जब यहाँ पे आई थी तब भी मुझे अकेला ही आना पड़ा था क्योंकि उसके फादर डॉक्टरेट कर रहे थे देश के बाहर और वो नहीं आ पाए थे। मैंने हमेशा से आरती के फादर को उनके सपने पूरे करने में हेल्प किया और कहीं ना कहीं मैं खुद को खोने लगी थी, इसीलिए मैं उस शादी से भी बाहर आ गई। और मैंने हमेशा से चाहा कि तुम तीनों एकदम ब्रदर्स की तरह साथ में रहो, हाफ ब्रदर्स की तरह नहीं, क्योंकि तुम तीनों मेरे बेटे हो। सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये वाला सीन ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। केव और न्यूंग व्यू को बोलते हैं अभी जाओ उनके पास और यही सही टाइम है। वो जाती है डरती हुई, पिम बोलती है आ जाओ मेरे पास, फिर आरती बोलता है, उसने बोला है वो रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करेगी अगर आप नहीं मानोगे तो। वो बोलती है मैं मान चुकी हूँ। व्यू की बुक लॉन्च हो चुकी थी और उसे लेके आरती और इरी लड़ने लगते हैं। फिर इरी बोलती है चलो आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ती हूँ क्योंकि इस बुक की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। पीछे से पिम आके बोलती है तुम दोनों ना बहुत क्यूट लगते हो, क्या मैं तुम दोनों को डेट करने बोलूं? वो बोलता है नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। वहां से व्यू आती है और व्यू से वो अपना साइन करवाता है। पिम भागते हुए आता है और बोलता है पिम यानी कि तुम्हारे मॉम ने फिर से एक पार्टी रखी है, शायद वो तुमसे किसी लड़की को मिलाने वाली है। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने भाइयों को कॉल करता है, वो लोग बोलते हैं हमें भी इनवाइट किया है मॉम ने, और केव और न्यू को भी, और साथ में व्यू को भी इनवाइट किया है। पार्टी शुरू हो चुकी थी, वहां पे थेम्स, न्यू, इच, केव और साथ में व्यू और आरती और नाम्बा और बैम भी आए थे। बैम और नाम्बा डेट कर रहे थे। वो लोग हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई भी गेस्ट नहीं था। बैम बोलता है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों की मॉम अभी तक नहीं सुधरी है, शायद तीन नई लड़की लाई है तुम तीनों के लिए। पीछे से पिम बोलती है बैम मुझे विलन बनाना ना बंद करो, मैं सुधर चुकी हूँ और हाँ मुझे बस तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना था और मुझे ये बोलना है आज से मेरे पास तीन बेटे नहीं तीन बेटियां भी है, न्यूंग, केव और साथ में व्यू, तुम तीनों मेरी बेटियां हो। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं पार्टी और ऐसे ही एक अमेजिंग ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वैसे एक ड्रामा के अंदर हमें मिला था थ्री लव स्टोरीज, तो आपको मुझे बताना होगा कि आपको सबसे किसकी लव स्टोरी अच्छी लगी, इच की, थेम्स की या फिर आरती की। और आई नो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, न्यू ड्रामा ना बहुत जल्दी आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।